उत्तर प्रदेश के बांदा में पति पत्नी की घरेलू कहासुनी में पति ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। उसने खुद की तमंचे से गोली मार ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि बीते 3 दिन पहले पत्नी लड़ झगड़ कर मां के गई थी। पति फोन कर वापस बुला रहा था, लेकिन नहीं आ रही थी, जिससे मानसिक अवसाद में आकर पति ने घटना को अंजाम दे दिया। मृतक इकलौता था, जिससे बुजुर्ग पिता सहित परिवार के हाल बेहाल हैं। सूचना पर पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। मृतक के पास से एक तमंचा और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। मामला चिल्ला थाना के अतहरत गांव का है। परिजनों के मुताबिक मृतक एक भाई एक बहन थे। मृतक की शादी कई साल पहले हुई थी, उसके भी एक बेटा है। बेटे से बहुत प्रेम करता था, लेकिन पत्नी मायके चली गई थी, जिससे वो परेशान रहता था और आज कहासुनी के बाद उसके आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। घटनास्थल में बारीकी से जांच कर रही है। मृतक के पास से तमंचा और एक मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। DSP अंबुजा त्रिवेदी ने बताया कि चिल्ला थाना के अतहरट गाँव में एक व्यक्ति जिनका नाम अवधेश सिंह है, जो अपने ट्यूबल पर काम कर रहा था, जिसने अपनी पत्नी से घरेलू विवाद के चलते तमंचे से फायर कर लिया, जिसे सूचना मिलते ही एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तमंचे और उसके मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी एक 108 से एक मृत व्यक्ति बुलाया गया, उसका नाम अवधेश दीवान सिंह, जो कि अतहरट जिला का रहने वाला है। इसने जानकारी के अनुसार इसके बताए घर वालों ने कि इसने गोली अपने सर पे मार ली है। इसकी उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसकी बॉडी को PM के लिए रखवा दिया। ये आज थाना चिल्ला पर एक सूचना प्राप्त हुई। थाना चिल्ला क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है अतहरट, जहां पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष, नाम अवधेश सिंह पुत्र दीवान सिंह, जो अपने बोर पे काम कर रहा था, अपनी पत्नी से घरेलू विवाद के चलते हुए तमंचे से फायर कर लिया, जिसे तत्काल सूचना पर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तमंचा को कब्जे में ले लिया गया है, उसके मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट और पुलिस फोर्स थाने की यहां पर मौजूद है, गहनता से जाँच की जा रही है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।